नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर में भैयार से महिला और किशोर का शव हुआ बरामद, इलाके में फैली सनसनी। प्रभारी कुलपति को बर्खास्त करने की मांग को लेकर छात्र राजद का धरना जारी। प्रशासनिक भवन का ताला खुलवाने के लिए प्रॉक्टर ने एसएसपी को लिखा पत्र। तेज रफ्तार ट्रक ने अधेड़ को मारी टक्कर, मौके पर हुई मौत, ट्रक चालक गिरफ्तार। गंगा स्नान करने गई युवती की नदी में डूबने से हुई मौत, हत्या और आत्महत्या के बिंदुओं पर जांच में जुटे पुलिस। और सेवा कंफर्मेशन की मांग को लेकर शिक्षकेतर कर्मियों की हड़ताल जारी, पीजी विभाग और केंद्रीय पुस्तकालय को कराया बंद। अब खबरें विस्तार से। भागलपुर के सनहोला जगदीशपुर मुख्य मार्ग स्थित महागामा मोड़ के समीप कठोतिया भैयार में एक ही जगह से दो शव बरामद हुआ है, जिसमें से मृत महिला की उम्र करीब 40 वर्ष और बच्चे की उम्र 15 वर्ष बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि मृतक महिला का शव अर्धनग्न अवस्था में था, जबकि गले में रस्सी का निशान दिखाई दे रहा था। साथ ही उसके चेहरे पर भी किसी ठोस चीज से प्रहार कर चेहरे को खराब कर दिया गया है, जबकि बालक के गले में भी कई जगहों पर निशान है। घटना की जानकारी मिलते ही गोराडी थाना प्रभारी आशुतोष कुमार मौके पर पहुंचे, शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुट गई। पुलिस ने आशंका जताते हुए कहा कि महिला और बच्चे की हत्या कहीं और कर शव यहां लाकर फेंक दिया गया है, जबकि फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में अस्थायी कुलपति की नियुक्ति को लेकर छात्र राजद का आंदोलन चौथे दिन भी जारी रहा। आंदोलन का नेतृत्व विश्वविद्यालय अध्यक्ष दिलीप कुमार ने किया। वहीं छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन में तालाबंदी कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और कुलाधिपति फागू चौहान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अनिश्चितकालीन धरना के दौरान छात्र राजद के कार्यकर्ताओं ने प्रभारी कुलपति हनुमान प्रसाद पांडे इस्तीफा दो, तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में स्थायी कुलपति की नियुक्ति अविलंब करना होगा, हनुमान पांडे को बर्खास्त करो के नारे लगाएं। छात्र संगठन के आंदोलन का समर्थन बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय कर्मचारी संघ के नेताओं ने भी किया। मंगलवार को शिक्षकेतर कर्मचारी संघ के प्रक्षेत्रीय मंत्री सुशील मंडल समेत कई कर्मी धरना स्थल पर पहुंचे और छात्रों की मांग को जायज बताया, जबकि छात्र राजद ने भी शिक्षकेतर कर्मचारी संघ के सेवा कन्फर्मेशन समेत अन्य मांग का समर्थन किया। छात्र राजद के विश्वविद्यालय अध्यक्ष दिलीप कुमार ने कहा कि प्रभारी कुलपति प्रोफेसर हनुमान पांडे के कारण आज टीएमयू के हजारों छात्र छात्राओं की डिग्री फंसी है, साथ ही कर्मचारियों, शिक्षकों एवं पेंशनधारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि राजभवन की उदासीनता के कारण बिहार में उच्च शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई है। छात्र राजद के जिला अध्यक्ष राजा राधिका रमन ने बताया कि कुलपति प्रोफेसर हनुमान प्रसाद पांडे ने बिहार के दो विश्वविद्यालय के लाखों छात्र छात्राओं का भविष्य अंधकार में डाल दिया है। उन्होंने बताया कि प्रोफेसर हनुमान प्रसाद पांडे पर महामहिम की इतनी मेहरबानी है कि वे मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी में 29 माह के कार्यकाल में सिर्फ 4 दिन और भागलपुर विश्वविद्यालय में 8 माह के कार्यकाल में केवल 4 दिन विश्वविद्यालय आए हैं, जबकि राजभवन ने कुलपतियों को प्रतिदिन दफ्तर आने का निर्देश दिया था। धरना पर बैठे छात्र राजद के आशुतोष कुमार, मुकुंद वत्स, उमरताश, अभिमन्यु कुमार और नीतीश कुमार ने कहा कि जब तक टीएमबीयू में अस्थायी कुलपति की नियुक्ति नहीं हो जाती है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। धरना में छात्र राजद के पूर्व प्रदेश महासचिव अनुराग केशरी, पूर्व विश्वविद्यालय प्रतिनिधि कृष्ण बिहारी गर्ग समेत संगठन से जुड़े कई सदस्य और काफी संख्या में छात्र शामिल थे। इधर तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर प्रोफेसर रतन कुमार मंडल ने एसएसपी को पत्र लिखकर विश्वविद्यालय में मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की तैनाती की मांग की है। प्रॉक्टर ने पत्र में लिखा है कि छात्र राजद के कार्यकर्ताओं ने पिछले 4 दिनों से विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन में तालाबंदी कर कामकाज ठप करा दिया है। दूर दराज से आने वाले स्टूडेंट्स और कर्मियों को काफी परेशानी हो रही है। प्रॉक्टर ने एसएसपी और सदर एसडीओ को लिखे गए पत्र में प्रशासनिक भवन का ताला दंडाधिकारी और पुलिस बल की उपस्थिति में खुलवाने की मांग की है, ताकि विश्वविद्यालय का काम सुचारू रूप से चल सके। वहीं छात्र राजद ने भी बुधवार को आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। देखिए, मांग तो सबको पता, चौथा दिन हम लोग का जो तालाबंदी चल रहा है। आज का न्यूज हम बता देते हैं, यहाँ तो 8 मंथ में मात्र 3 बार कुलपति आए हैं, प्रभारी कुलपति, और बिहार यूनिवर्सिटी में है 29 माह में मात्र 4 बार कार्यालय गए हैं।
कितनी दुर्भाग्य की बात है, बिहार में शिक्षा व्यवस्था इसी से अंदाज़ा लगा सकता है शिक्षा व्यवस्था कितनी चौपट है। अब लगता है बिहार सरकार और राज्यपाल का मिलीभगत है, दोनों मोटा रकम लेके भ्रष्ट कुलपति का नियुक्ति करते हैं, उनको शिक्षा से कोई मतलब नहीं। आज लगभग बिहार में उस शिक्षा चौपट हो चुकी है, बिहार छात्रों का भविष्य दांव पे लगा हुआ है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय की हम बात कर रहे हैं, लाखों बच्चा का जो भविष्य दांव पे लगा हुआ है, 8-10 हज़ार यहाँ पे डिग्री बन के रखा हुआ है, बहुत सारा छात्र का जॉब लग चुका है, उसको डिग्री समय पर नहीं मिल रहा है, माइग्रेशन नहीं मिल रहा है। तो आज जब हम लोग चौथा दिन धरना प्रदर्शन के साथ साथ तालाबंदी किए हुए हैं, अगर अस्थाई कुलपति की नियुक्ति बिहार सरकार या राज्यपाल के द्वारा नहीं होता है तो हम लोग का तालाबंदी अनिश्चितकालीन जारी रहेगा। सरकार से मांग है कि छात्र हम लोग भीख नहीं मांग रहे हैं, बल्कि हमारा अधिकार है, अधिकार से अधिकार मिलकर चुप रहना या कायरता है, छात्रों के भविष्य के साथ खेल रहा है। केंद्र सरकार राजभवन में राज्यपाल की नियुक्ति करता है, वह एक एजेंडा मात्र है, और वह एजेंडा जो राज्यपाल है वह शासन व्यवस्था यहाँ पर ऐसे भ्रष्ट कुलपति का नियुक्ति करता है जो यहाँ पर 3 दिन विगत 8 महीने में वो 3 दिन आए हैं, और इसमें संपूर्ण बिहार के छात्रों का भविष्य बर्बाद हो चुका है। हाल ही में टॉप 10 विश्वविद्यालय का रैंकिंग आया है जिसमें बिहार के एक भी विश्वविद्यालय का नाम नहीं आया है। बताइए इसका कौन है जिम्मेदार? राज्य सरकार जिम्मेदार है, कुलपति जिम्मेदार है, कुलाधिपति जिम्मेदार है। हम छात्र कर्मचारी छात्र जो एसोसिएशन है राजद का, उनको पूर्ण समर्थन किए हुए हैं और हम इनके साथ आंदोलन पर भी आए हैं। एक तरह के हमारे और इनके बीच में समझौता है कि हम इनके मांग को पूरा जब तक नहीं हो जाए, नए कुलपति की बहाली जब तक नहीं हो जाए, हम इनके साथ हैं बिल्कुल। भागलपुर के लोदीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत विशनपुर जीछो बाईपास के समीप मंगलवार की सुबह ट्रक से टकराकर एक अधेड़ की मौत हो गई। मृतक की पहचान रसूलगंज निवासी अनिल सिंह के रूप में हुई है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि मृतक विशनपुर जीछो स्थित आरबी प्लाजा में गार्ड का काम करते थे, जबकि वह रोज की तरह आज भी काम के लिए निकले थे, तभी बाईपास चौराहा के पास उनकी साइकिल और ट्रक के बीच टक्कर हो गई, जिससे अनिल सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। वह सूचना मिलते ही लोदीपुर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर मेडिकल कॉलेज भेज दिया। हालांकि फिलहाल पुलिस ट्रक चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। अनिल सिंह कहाँ घर हुआ मृतक का? घर तो हुआ पिपरा, लेकिन वहाँ घर बना के रहता था। कहाँ? रसूलगंज में। रसूलगंज कोढ़ा में थाना यही पड़ता है लोदीपुर। दिलीप कुमार उसका नाम था? अनिल सिंह मतलब शादीशुदा था। उम्र कितना होगा उसका? उम्र लमसम 60। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत गनगनिया गांव के समीप गंगा नदी किनारे से मंगलवार की सुबह पुलिस ने एक युवती का संदिग्ध स्थिति में शव बरामद किया है, जिसकी खबर इलाके में फैलते ही नदी किनारे लोगों की भारी भीड़ उमड़ गई। मृतका की पहचान गनगनिया गांव निवासी विजय कुमार जायसवाल की 27 वर्षीय पुत्री नेहा कुमारी के रूप में हुई है। वहीं घटना को लेकर बताया जा रहा है कि मृतका युवती गंगा स्नान करने गई थी और इसी दौरान वह गहरे पानी में चले जाने के कारण नदी में डूब गई। इसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से डूबे युवती को गंगा नदी से बाहर निकाला गया। हालांकि गांव में इस घटना को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है, जिसमें घरेलू विवाद के कारण युवती की हत्या कर नदी में डूबने और आत्महत्या का रूप देने की बात कही जा रही है। इधर घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची सुल्तानगंज पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जबकि पुलिस मामले की जाँच कई बिंदुओं पर कर रही है। तो सवेरे उठी 4:15-4:30 के लगभग, हम भी यहाँ थे रोड पर, पत्थर उत्थर समेट रहे थे, चली गई, इसको तैरने नहीं आता है, गंगा जी गई नहा के पूजा करने जाती, बस वो डूब गई। 1-1.5 घंटे के बाद जब खोजने लगे तो वहाँ किनारे पड़ा हुआ है। बिहार राज्य विश्वविद्यालय व महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर TMBU के कॉलेजों में कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। अपनी मांगों के समर्थन में मंगलवार को कर्मियों ने पेजे विभाग और केंद्रीय पुस्तकालय को बंद करा दिया। इस दौरान पेजे विभाग में हड़ताली कर्मचारियों को विरोध का सामना भी करना पड़ा, जबकि तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के सामने अस्थायी कुलपति की मांग को लेकर धरना पर बैठे छात्र राजद के कार्यकर्ताओं ने शिक्षकेतर कर्मचारियों को मांग का समर्थन किया। संगठन के प्रक्षेत्रीय मंत्री सुशील मंडल ने कहा कि जब तक विश्वविद्यालय प्रशासन सेवा कंफर्मेशन करने की अधिसूचना जारी नहीं करेगा, तब तक शिक्षकेतर कर्मचारियों की बेमियादी हड़ताल जारी रहेगी। कर्मचारियों ने TMBU प्रशासनिक भवन परिसर, सेंट्रल लाइब्रेरी के सामने, TNV कॉलेज मारवाड़ी, SM कॉलेज समेत कई कॉलेजों में जोरदार प्रदर्शन किया। आंदोलन कर रहे कर्मियों ने सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारे
निवासी की। कर्मचारियों की हड़ताल के कारण विभिन्न कॉलेजों का कामकाज ठप रहा। संघ के जिला मंत्री प्रभु नारायण मंडल ने बताया कि उन लोगों की प्रमुख मांग है सेवा संपुष्टि, संविदा कर्मियों का नियमितीकरण, कर्मचारियों के लिए सीनेट चुनाव कराना, तृतीय और चतुर्थ वर्ग कर्मियों को प्रोन्नति पेंशन अदालत, कर्मियों को समय पर वेतन और एरियर का भुगतान। इधर कर्मचारियों के सेवा कन्फर्मेशन को लेकर तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय प्रशासन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने 650 कर्मचारियों की सेवा संपुष्टि की प्रक्रिया पूरी करने के लिए सरकार से मोहलत मांगा है। दरअसल सरकार के एक पत्र में कहा गया है कि सेवा कन्फर्म करने की प्रक्रिया 26 जुलाई तक विश्वविद्यालय स्तर से हो जानी चाहिए। कर्मियों को स्थिति तक खुद अपने डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर पर अपलोड करने हैं। जो ऐसा नहीं करेंगे उनके जुलाई माह का वेतन रोक दिया जाएगा। रजिस्ट्रार डॉक्टर निरंजन प्रसाद यादव ने कहा कि 26 जुलाई तक सेवा संपुष्टि की प्रक्रिया पूर्ण करना संभव नहीं है, इसलिए सरकार से तिथि बढ़ाने की मांग की गई है। वहीं सेवा कन्फर्म कराने के लिए धरना पर बैठे कर्मचारियों ने कहा कि उनकी 12 सूत्री मांग जल्द नहीं मानी गई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। हम लोग का मुख्य मांग है सेवा कन्फर्मेशन। विश्वविद्यालय ने अपने कर्मचारी विश्वविद्यालय का स्नातकोत्तर विभाग का सेवा कन्फर्मेशन कर दिया गया है 14 में ही, और हम लोग कॉलेज कर्मी जितना 650 के आसपास हैं उसका सेवा सीकरण नहीं किया गया है, जिसके चलते राज्य सरकार ने एक नोटिस निर्गत किया है कि 26 जुलाई तक अगर ऑनलाइन अगर हम नहीं किए पे फिक्सेशन सेल में तो हमारा वेतन बंद कर दिया जाएगा। आज दूसरा दिन में हमने स्नातकोत्तर विभाग को भी पूरा बिल्कुल ठप करा दिया है। विश्वविद्यालय ठप है, कॉलेज सारे महाविद्यालय ठप है, परीक्षा पठन पाठन सारे बंद है। आज हम लोग दूसरे दिन पूरे विश्वविद्यालय के जितने भी पीजी विभाग थे सभी को हम लोगों ने बंद कराया। ये आंदोलन आगे भी जारी रहेगा क्योंकि बिहार सरकार का जो चिट्ठी आ गया है कि 26 तारीख तक अगर नहीं हुआ तो सबका सैलरी बंद कर दिया जाएगा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपने विभाग का अपने कार्यालय का सारे लोगों का कन्फर्मेशन करा दिया है, सिर्फ महाविद्यालय को छोड़ दिया गया। इसी चीज़ के वजह से ये सौतेला व्यवहार को देखते हुए हम लोगों की तरफ से ये आंदोलन को जारी रखा गया है। अब तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। आपके नजदीकी शहर बौंसी बिहार में एकमात्र फार्मेसी कॉलेज मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, जिसमें आपको मिलेगी स्मार्ट क्लास, स्मार्ट लैब और लाइब्रेरी जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं। अब आप भी डी फार्मा और बी फार्मा जैसे फार्मेसी कोर्स कर एक निश्चित सरकारी या गैर सरकारी संस्था में जॉब पा सकते हैं, साथ ही अपना खुद का मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। इतना ही नहीं, बिहार झारखंड एवं केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अपने बच्चों को इंटर के बाद फार्मेसी कोर्स करवाकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनका स्वर्णिम भविष्य बनाइए। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। भागलपुर स्टेशन परिसर में सोमवार की देर रात जीआरपी कार्यालय के पीछे फुट ओवर ब्रिज के पास वाहन पार्किंग में एक बमनुमा वस्तु मिलने से सनसनी फैल गई। इससे पार्किंग बालों के बीच अफरा तफरी का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि सोमवार की दोपहर स्टेशन परिसर में डीआरएम की अध्यक्षता में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। इसके बाद डीआरएम ने स्टेशन परिसर का निरीक्षण भी किया था, लेकिन देर रात स्टेशन परिसर के भीतर किसी विस्फोटक जैसी संदिग्ध वस्तु का मिलना सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। वहीं इसको लेकर प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि वे लोग पार्किंग के आसपास घूम रहे थे, तभी उनकी नजर रस्सी से लिपटे हुए वस्तु पर पड़ी, जिसे देखकर बम होने की आशंका हुई और फौरन इसकी जानकारी रेलवे पुलिस बल को दी गई। इधर सूचना मिलते ही आरपीएफ इंस्पेक्टर रणधीर कुमार दलवल के साथ मौके पर पहुंचे, लेकिन तत्काल बम निरोधी दस्ता साथ नहीं होने के कारण किसी ने भी संदिग्ध वस्तु को हाथ नहीं लगाया। वहीं करीब 6 घंटे बाद बम निरोधी दस्ता मौके पर पहुंचा और संदिग्ध वस्तु की जांच की, जिसमें किसी तरह के बारूदी पदार्थ की पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। अभी कुछ कहना उचित नहीं है, बुलाया जा रहा है बम स्क्वाड लोग वगैरह को, वहाँ तक देखेंगे उसको। अभी कुछ कहना उचित नहीं है, देखा जाए। कुछ दिन पहले नाथनगर में भी 2-3 महीना पहले ऐसे खिचड़ी से लपेटा हुआ बॉल मिला था, बच्चा खेलते खेलते फेंक दिया था। जांच का विषय देखा जाए। प्रथम दृष्टिया किस तरह की कार्रवाई होगी? कुछ कंफर्म नहीं बताया जा सकता, लपेटा हुआ कोई चीज पड़ा हुआ। हम यहाँ पे बैठे हुए थे अंदर, 4 ड्राइवर, एक ड्राइवर का नज़र पड़ा तो वही बताया, तो हमने जाके पार्किंग वाले को डायरेक्ट बोला। क्या बताया? उसको लाके दिखाया कि यहाँ पे देखिए क्या रखा हुआ। अच्छा, जो आए तो यहाँ क्या देखे?
रखा हुआ था सतली बांध के। भागलपुर के प्रवत्ति मोहल्ले में पीने के पानी की समस्या को लेकर वार्ड संख्या 13 के लोगों का सब्र टूट गया, जिसको लेकर महिला, बच्चे और बुजुर्ग मंगलवार को पानी के बर्तन और डब्बे लेकर सड़क पर उतर गए और निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे आक्रोशित लोगों ने नगर आयुक्त के खिलाफ भी नारेबाजी की। वहीं पानी की किल्लत से तंग आकर महिलाओं और बच्चों ने धरना दिया। वहीं धरने पर बैठी महिला उर्मिला देवी ने बताया कि पिछले 24 घंटे से उनके मोहल्ले में जलापूर्ति नहीं हो रही है, जिसके कारण सभी महिलाएं एवं बच्चे त्राहिमाम हैं। साथ ही कहा कि वार्ड संख्या 13 का क्षेत्रफल काफी बड़ा है, लेकिन बावजूद इसके नगर निगम के द्वारा यहां एक ही बोरिंग कराई गई है। लोगों ने कहा कि बिजली ओवरलोड होने के कारण मोटर अक्सर खराब हो जाता है और पानी भरने के लिए मोहल्ले वासियों के बीच आपस में झड़प होती रहती है। साथ ही महिलाओं ने निगम प्रशासन से एक अतिरिक्त बोरिंग की व्यवस्था कराने की मांग की। वहीं वार्ड संख्या 13 के समाजसेवी राजा मंडल ने कहा कि इस तरह की समस्या से लोग लगातार जूझ रहे हैं और निगम प्रशासन को ज्ञापन देकर समस्या से अवगत भी कराया गया है। साथ ही मोहल्ले वासियों ने निगम प्रशासन को चुनौती देते हुए कहा कि अगर उनकी बात नहीं सुनी जाएगी तो आगे चक्का जाम किया जाएगा। हम लोग को पानी का बहुत ही दिक्कत हो गया आज। आज जिसमें पानी के लिए कल रात से हम लोग को पानी नहीं मिल रहा, पानी के लिए हम लोग खाना नहीं बना पाए, कपड़े नहीं धो पाए, बच्चे को स्कूल नहीं भेज पाए, कोलगेट ब्रश तक मुँह धोने के लिए पानी नहीं है। तो इसके लिए हम लोग अभी सोचते सोचते एक बगल में बहुत पुराना है वकील साहब, उसके यहाँ से बाल्टी भर पानी लाए, मुंह बरस धोए, उसके बाद हम लोग धरना पे है कि हम लोग को पानी चाहिए, हम लोग को पानी चाहिए, पानी है तो सब है, हम लोग को पानी जल्द से जल्द व्यवस्था किया जाए। 24 घंटे से वार्ड नंबर 13 का बोरिंग खराब पड़ा हुआ है। मैं नगर निगम प्रशासन से मांग करता हूँ, सभी पर्वतीय समाज के वासियों की ओर से, कि यथाशीघ्र इस बोरिंग को ठीक कराया जाए, नहीं तो चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे और इसका खामियाजा खुद जिला प्रशासन और नगर आयुक्त भुगतेंगे। नाथनगर चंपानगर स्थित प्राचीन विषहरी मंदिर में प्रधान कलश और बारी कलश की स्थापना के साथ मासिक पूजा अर्चना की शुरुआत हुई। कलश स्थापना के बाद पुजारी द्वारा पहली पूजा की गई, जिसमें पूजा को लेकर मेड़ और मंदिर को विभिन्न प्रकार की फूलों एवं लाइटों से सजाया गया। इस दौरान पुजारी संतोष बाबा के नेतृत्व में गाजे बाजे के साथ श्रद्धालुओं ने बारी कलश शोभा यात्रा निकाली, जो मंदिर प्रांगण से निकलकर चंपानगर कुम्हार टोली पहुंची। वहीं शोभा यात्रा मंदिर पहुंचने के बाद विधि विधान के साथ बारी कलश की स्थापना की गई। इसके बाद चंपानगर मनसा विषहरी पूजा समिति के द्वारा मां विषहरी को महाभोग लगाकर डलिया चढ़ाया गया, जबकि पूरा मंदिर प्रांगण बिहुला विषहरी के गीतों से गुंजमान होता रहा। मंदिर के पुरोहित संतोष झा ने बताया कि बारी कलश के लिए कुम्हार देवानंद पंडित को निमंत्रण दिया गया था, जबकि प्रधान कलश की स्थापना के बाद बड़ी कलश के लिए शोभा यात्रा निकाली गई। मौके पर मंदिर समिति के अध्यक्ष संजय लाल, सचिव रामचरण दास, अशोक कुमार लाल, पार्षद पंकज दास सहित काफी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। यहाँ पे क्या हुआ? देवानंद पंडित के यहाँ बारी कलश का पूजा हो गया, ये मंदिर की ओर प्रस्थान करेगा। आगे श्रीनाथ घाट है, पंडरनाथ घाट, वहाँ पे जल अर्पण होते हैं, पुनः मंदिर में स्थापित होगा जो एक महीने तक रहेगा। ये कच्चा मिट्टी का कलश है, पानी जल से लबालब भरा रहता है। और अंत में चलते चलते फिर से एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर में भैयार से महिला और किशोर का शव हुआ बरामद, इलाके में फैली सनसनी। प्रभारी कुलपति को बर्खास्त करने की मांग को लेकर छात्र राजद का धरना जारी, प्रशासनिक भवन का ताला खुलवाने के लिए प्रॉक्टर ने एसएसपी को लिखा पत्र। तेज रफ्तार ट्रक ने अधेड़ को मारी टक्कर, मौके पर हुई मौत, ट्रक चालक गिरफ्तार। गंगा स्नान करने गई युवती की नदी में डूबने से हुई मौत, हत्या और आत्महत्या के बिंदुओं पर जांच में जुटी पुलिस। और सेवा कंफर्मेशन की मांग को लेकर शिक्षकेतर कर्मियों की हड़ताल जारी, पीजी विभाग और केंद्रीय पुस्तकालय को कराया बंद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।